सोमवार को सामने आए तहसील पुलिस थाना अंतर्गत हत्याकांड से जहां शहर अभी उभरा ही नहीं था कि वहीं मंगलवार को कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवाजी नगर में अनैतिक संबंध के चलते हत्या करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मदानी ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 3 दिनों से शहर में 8 हत्याएं हुई हैं। एक और जहां शहर अभी सोमवार को तहसील पुलिस थाना अंतर्गत हुई हत्या से उभरा ही नहीं था कि वहीं मंगलवार को शहर के कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले शिवाजी नगर में अनैतिक संबंधों के चलते और एक हत्या की वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार गंगाबाई घाट रोड शिवाजी नगर निवासी मृतक योगेश डोंगरे का आरोपी गोलू थोटे की पत्नी से अनैतिक संबंध चला रहा था, जिसकी भनक 3 दिन पहले आरोपी को लगी, जिसके बाद आरोपी मृतक को मारने के लिए एक सही मौके के इंतजार में था। मंगलवार को आरोपी को वो मौका मिल गया। मंगलवार को आरोपी अपनी पत्नी माँ और 2-3 मित्रों के साथ लगभग 12 बजे के दरमियान मृतक के घर पहुँचा, जिस दौरान आरोपी और मृतक में वाद विवाद हो गया। इस पश्चात आरोपी और मृतक दोनों घर के पास स्थित नाले के पास गए, जिस दौरान भी उन दोनों के बीच विवाद हो गया। जिस दौरान ये विवाद चल रहा था, उस वक्त आरोपी की मां और पत्नी ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, हालांकि वो उसमें विफल रही। दोनों का विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने मौका देखते ही अपने पास का चाकू निकालकर मृतक के पेट में चाकू घोंप दिया। वहां स्थित निवासियों ने मृतक को तुरंत 7-स्टार अस्पताल में भर्ती किया, हालांकि इलाज के दौरान योगेश की मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। आज शिवाजी नगर परिसर में जो पीछे नाला बहता है वहां पर झगड़ा हुआ है। झगड़े में योगेश धोंगड़े नाम के मृतक को गोलू धोटे और अन्य कुछ लोगों ने मिलकर चाकू से वार करके मारा है। इसमें अभी 2 घंटे पहले की घटना है, इसका जो कारण है अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन प्रायमा फेसा ऐसा लगता है कि कुछ इसमें इलिसिट रिलेशंस का एंगल हो सकता है। मारते समय एक से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन अभी एक ही आदमी का नाम निष्पन्न हुआ है। मृतक योगेश की मां बर्तन धोने का काम करती है, वही पिता कॉरपोरेशन में काम करते हैं। जब यह घटना हुई तब घर में माँ और पिता दोनों ही नहीं थे। इस संबंध में पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही जारी है। हालांकि 3 दिनों के भीतर हुई इस 8वीं हत्या की घटना से पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और माइकल रामपुरी के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।